नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल व्याज। आज हम आम लोगों के बीच पहुंचे हैं, उनसे विचार जा रहे हैं बाबा राम रहीम जी के प्रति, उनका क्या कहना है, डायरेक्ट लोगों से चर्चा करते हैं इसके बारे में। सर आपका नाम? हाकम सिंह। करते हो सर आप? हम खेती बाड़ी करते थे। हाँ जी सर, आप हमें ये बताइए बाबा राम रहीम जी के बारे में, हम जानना, क्या राय है आपकी बाबा राम रहीम जी के प्रति, क्या विचार रखते हैं आप? बाबा राम रहीम से जब हम जुड़े हैं, 20-25 साल हो गए हमको जुड़े हुए। पहले हमारे बहुत जानी के कमज़ोर थी स्थिति, जब से नाम लिया है वहाँ जब से ही बस बढ़ते ही गए। आज सब कुछ है उनका दिया हुआ, बहुत कुछ है, गाड़ी भी है, कोठियाँ, सब कुछ है। यानी कि हम बुराई से जब से बचे हुए हैं। पहले बुराइयाँ करते थे, पर जब से जुड़े हैं उन्होंने हमारी बुराइयाँ किया, सब कुछ, मीट नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, और पराई स्त्री बराए बुरा ख्याल नहीं रखना हैगा। भी बहुत बुराइयाँ, सारिया बुराइयाँ छुड़ाइयाँ जब से हम जुड़े। नशे तो सारे ही, अभी नशा कोई भी नहीं करना है। नंबर एक, शराब नहीं पीनी, मांस अंडा नहीं खाना, पराई स्त्री प्रथाएं आप तो बड़ी है माता दे समान समझना, बराबर दी नू भैन दे समान समझना, छोटी नू बेटी दे समान समझना। ये तीन बुराइयाँ उन्होंने हमारी जब से छुड़ा दी। भी ये काम करोगे आप बचनों पे नहीं चलेंगे तो आपको खुशियाँ नहीं मिलेंगी। खुशियाँ तभी है जो बचनों पे चलोगे। सर अगर बात की जाए डेरा सच्चा सौदा की, तो डेरा सच्चा सौदा के अंदर किस तरह का व्यवहार होता था लोगों के साथ जो वहाँ जाते थे, किस तरह का एनवायरनमेंट उनको मिलता था डेरा के अंदर? वहाँ हम पंडाल समिति में रहे हैं, नंबर 1 जो 1 था पंडाल समिति, उसमें भी रहे हैं हम। गुफा में भी जो 13 वास कहते हैं, अब पहले गुफा कहते थे, भी वहाँ मीटिंग भी होती थी। यही भलाई के काम करने के लिए वहाँ मीटिंग होती थी। गुरुजी बताते थे कि ये भलाई के काम करने हैं आपने। कोई इस तरह की अज तक असी तो 20-25 साल हो गए, कोई इदा की गल नहीं सानू लगी है। अभी आपने बात की गुफा की, गुफा में कौन कौन जाता था, किस तरह, कौन, क्या अकेली होते जाती थी वहाँ पर? गुफा में औरतों भी जाती थी जो सेवा करती है, जो अपना सेवादार है, बहने हैं और सेवादार भाई है, जुम्मेवार, जो सारे जिन्होंने सेवा ली हुई है, फोर्स की वर्दी की है। मैं भी फोर्स का मेंबर हूँ, ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स का, वो ही वहाँ जाते थे गुफा में सारे। वहाँ तो पता नहीं 50-50 हज़ार जीव अंदर में आ जाता है, 12-13 एकड़ जगह हैगी है, और सारी भर जाती थी। और भलाई के काम ही वहाँ सिखाए जाते हैं। सर अगर बात की जाए बाबा जी की, बाबा राम रहीम जी का लोगों के साथ जो वहाँ जाते थे साथ संगत के साथ, किस तरह का व्यवहार होता था उनका? व्यवहार तो सबके लिए एक ही व्यवहार है, तो अच्छे काम करो, भलाई के काम करो, एक दूसरे से प्रेम रखो। हम 20-25 साल हो गए वहाँ, आज तक हमने कभी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मार कटाई, आपसे आपस विच प्रेम करना ही वहाँ सिखाते थे। प्रेम ही देखा आज तक, वहाँ लड़ाई तो देखा ही नहीं है कोई भी। वहाँ जितनी बहनें भी लड़कियाँ सेफ हैं कहीं भी नहीं है। हम अपने घर पर भी, यहाँ पिंडों में, शहरों में भी सेफ नहीं मानते जितना वहाँ दरबार में हम सेफ मानते। सर अगर बात की जाए समाज की, देश की, तो उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं समाज के लिए, देश के लिए? उन्होंने तो 134 कार्य है जो देश के लिए उठाए हुए हैं, और सफाई अभियान आ गया, और जो विधवा है उनकी शादियां करनी है, जो वैश्या लड़कियां उनकी शादी करनी है, भक्त योद्धे है, 1500 ऊपर 1600 नौजवान है जो वैश्या लड़कियों के साथ हजूर महाराज जी के कहने से आगे आए हैं। नहीं कोई आगे बिल्कुल भी, आजकल पता लग जाए भी लड़की है ऐसे या गलत है कैसे, या कोई ठुकरा देता है। वहाँ देखो गुरुजी सी कृपा से ही शादियाँ करने के लिए तैयार होते हैं, और दो दो लड़के बच्चियाँ हैं उनको भी अपनाया उन्होंने, और उनके घर अब खुशी से बस रही हैं।
25 30 शादियां वैश्वा लड़कियों के भक्त योद्धे नाम दिता है गुरु जी ने, उनके साथ उनकी शादी हुई भी है और अपने घर खुशी खुशी रहनी है। जैसा कि आपने बताया कि वैश्याएं डेरा में आती थी, तो क्या वास्तव में वैश्याओं को बेटी बनाया जाता था वहाँ पर? यूपी में दरबार में सत्संग था, उस टाइम गुरु जी ने कदम उठाया भी जो वैश्या लड़कियाँ इधर उधर बाजार उसमें फंसी हुई हैं उनको निकालने के लिए हम उनकी जो उनको अपनाएंगे वो नौजवान आगे आओ, उसी टाइम से ही हजारों नौ नाम आगे आने लगे हैं और शादियां हजूर महाराज जी उनकी जो आती गई समझाने से वो उनकी शादी करते गए, और वो नहीं आती है समाज थोड़ा जा फिर उनको ले जाते हैं आने नहीं देते हैं, फिर उनकी जो दूसरी है कोई तलाकशुदा हैगी है तलाक हो गया जिनका, या कोई गरीब लड़की है या कोई विधवा है उनके साथ उनकी शादी करी जाती है। जी सर, इतना मतलब बाबा जी ने देश के लिए समाज के लिए भलाई के कार्य किया, क्या लगता है आपको इस वक्त उनकी समाज को जरूरत है? बहुत ज़रूरत है जी, जब तक जब से हजूर महाराज जी गए हैं जब से ही एक तो नशे बढ़ने लगे हैं और जो से समाज से भी काम होते थे बहुत काम रुके पड़े हैं, और संगत कर भी रही है उनके दसे रास्ते थे पूरे चल रही है भलाई के काम करते हैं, और उनकी जो शिक्षा आगे आगे देते थे वो रुकी पड़ी है। सरकार से हम अपील यही करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हजूर महाराज जी को छोड़ा जाए ताकि देश के लिए भलाई के काम कर सकें, उनका तो यही टीचा है कि देश समाज सुधार का देश को अच्छा बनाना है, सारे एक करने हैं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है सारे आपस में भाई भाई है, सबको एक करने के लिए हजूर महाराज जी ने आए हुए हैं जन्म लिया हुआ। जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार सांझे किए डेरा सच्चा सौदा और बाबा राम रहीम जी के बारे में। तो ये रियल फैक्ट हैं जो आम लोग बता रहे हैं, आम लोगों से हम चर्चा करके उनसे विचार जान रहे हैं बाबा जी के बारे में, रियल फैक्ट हैं। आपकी क्या राय है वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएँ। इस तरह की सच्ची वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें फैक्ट के साथ। धन्यवाद।